हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ हैं। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। मैं पहले आपको लेखक परिचय दे देता हूँ। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। हल्दा साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, दो अपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी। कभी सड़कें पक्के करवाने का काम करती, तो कभी शौचालय बनवाने का काम, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया करती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति बनवा के लगा दी। क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक लौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी के आँख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हल्दा साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया अच्छा है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हल्दा साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर नया चश्मा लगा हुआ था। इस बार वो पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हल्दा साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वो नेताजी को मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे वो मूर्ति से उतार कर दे देता होगा और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता होगा, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। हल्दा साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजादीन फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो पागल है इसलिए ऐसा करता है। हल्दा साहब को एक देशभक्त का मजाक बनता देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कैप्टन को देख कर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बूढ़ा मरिया लंगड़ा सा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी संकुची और दूसरे में एक पास में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहता था, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हल्दा साहब ने कई चश्मे बदलते हुए देखे। एक बार जब हल्दा साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब कस्बे से गुजरे तो सोचा, वो वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हल्दा साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उड़ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चा बना लेता है। यह देखकर हल्दा साहब की आंखें नम हो गई। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोग का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल पर नया होता सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।